यार देख दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, रहने देते हैं, मेरी मौसी का घर आसपास है, समझ मेरी बात को, यहाँ नहीं लेते हैं। यार इतना बढ़िया तो फ्लैट है, इतनी बढ़िया बालकोनी, इतनी बढ़िया पार्किंग है, इतना बढ़िया एरिया, तो जब भी दिक्कत हो रही है। यार दिक्कत होगी, तू समझ नहीं रहा है इस बात को, रहने देते हैं। दिक्कत यही देख लेने, मैं तो यहीं पे फ्लैट लूंगा। अरे यार ये बिल्डर भोसड़ी में रह गया, उसने तो लोकेशन यही बताई थी। अरे यही कहीं होगा, बूढ़ा घुसट बैठा हुआ। मुझे उससे भी तो चूते मिलने आने वाले थे, आए नहीं बता। अरे नमस्ते अंकल जी। तुम ही दोनों क्या? नमस्ते नमस्ते बेटे, पैर नीचे आओ तो मैं जन्नत दिखाता हूँ। तो बेटी ये है तुम्हारी जन्नत, A1। बोलो तो गोली दिखाऊं। बाय गॉड दिल से कह रहा हूँ, A1 करे जी, A1। अरे यार इधर तो देख लो, A1 कर रहे, मैं बता तो रहा हूँ। खोल रहे हो या जाऊं? बेटी खोल लेना, अब तो बंद करो अपनी। अरे कर ले, तो भी लाल कर ले, फिर तुम कुछ तो पहन रखे। तो बेटी ये तुम्हारा जन्नत, कुल्ला कुल्ला जन्नत, जन्नत ही जन्नत। बाय गॉड बता रहा हूँ आपको, देखो दो दो पलंग बेटी, जन्नत है। अंकल दीवारों में तो सुरंगें बन रही हैं। बेटी कोई बात नहीं, छत देखना आप, एवन छत है बेटी। कोई दरवाजे का कुंडा टूट रहा है क्या? होगी बेटी आप छत देखना ना, एवन छत बेटी, जन्नत ही जन्नत बता रहा हूँ आपको, जन्नत एक क्वालिटी है, मान नहीं रहे आप मेरी बात। जमीन में भी गड्ढे हो रहे हैं। कोई बात नहीं बेटे, आप मुझे पैसे दोगे ना मैं भरवा दूंगा, जन्नत है बेटे, आप छत देखना ना। तू यहीं बैठ, मैं सारे बुड्ढे की छत देख के आऊँ। ठीक है तू देखा, मैं यहीं रहता हूँ। क्या है छत में देखू तू जरा, जगह जगह कूड़ा कचरा ही पड़ा हुआ है। इसे देख के लगता है ये फ्लैट लेना ही पड़ेगा। Denied. अरे जल्दी मना कर, चल चलते हैं जल्दी। भाई मेरे को तो पसंद आ गया, अब हम तो इसी फ्लैट में रहेंगे। अबे तू पागल हो गया क्या? मैं नहीं रह रहा इस घुसले उसले में, जा रहा हूं मैं। अरे अंकल फ्लैट मुझे पसंद आ गया। अरे तुम्हारा लगा, हम जल्दी शिफ्ट कर लेंगे। टीवड़ी आ जा। और भाई कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं यार, मैं छत पे कपड़े सुखाने जा रहा हूँ यार। क्या छत पे? यार जिस लड़की को ना देख ले, और उसे देख लिया तो ही पटा लेगा। क्या है? तो रुक,
मैं जा रहा हूँ सुखाने, तू कहाँ पे जाएगा सुखाने? अबे तुझे क्या हो गया है? अरे यार तू कहाँ जाएगा पांचवी मंजिल पे कपड़े सुखाने, तू पहले सिगरेट पी पी के खोखला हो गया, मैं सुखाई आता हूँ। सुखाऊंगा। हाय हाय कैसे गंदे लोग रहते हैं यहाँ पर, कपड़े भी सही से सुखा नहीं सकते। अबे यार ये तो मेरे कपड़े हैं, ये कहाँ गया? हाय हाय कैसी हो? मैं ठीक हूँ। भैया आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और मौसी कैसी है? हाँ मम्मी भी एकदम ठीक है। अच्छा तो तुम यहाँ रहती हो? हाँ मैं तो यहीं रहती हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय। ओ तेरी साले यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं इन दोनों की, एंड मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई 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 मैं तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाने आया था। तूने मेरे कपड़ों का क्या हाल करा है ये? भाई मैं तो बस कपड़े सुखाने आया हूँ यहाँ पे। रुक जा तेरे को बताता हूँ मैं अभी। Run. अरे भाई सुन, जिस लड़की से तू बात कर रहा था छिस्ते वो थी कौन? तेरी है कोई? यार मस्त ना देखने में, मेरी ही बात करा दे यार। अबे सुन उसके बारे में कोई बकचोदी दी नहीं। अच्छा इतना प्यार करता है क्या उससे? अबे यार मैंने बताया तो था तेरे को मौसी रहती है यहाँ पर, उसकी लड़की है, मेरी बहन है। अच्छा बहन है क्या वो तेरी? अबे यार वो लड़की तो इसकी बहन निकली। चल कोई नहीं, अभी भाई भाई बोलता है, कल जीजा जीजा बोलेगा। क्या बोला तूने? अच्छा पता खाने में क्या खाएगा? कुछ भी बना दे यार, जो तेरी मर्जी है। चल ठीक है फिर मैं बनाने जा रहा हूँ। अरे यार ये खड़ूस मौसी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ मौसी। अच्छा मौसी एकदम से क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है मौसी मैं देखता हूँ कुछ। हाँ हाँ मौसी मुझे भी तो बात करनी पड़ेगी ना मेरे रूममेट से। चलो ठीक है मौसी मैं बताता हूँ आपको। ओके सुन। हाँ बोल। अरे यार मेरा रिलेटिव आ रहा है रहने के लिए, क्या करूं? अभी तो पागल पागल है क्या? मैं रख रहा अपने साथ किसी को भी। अरे भाई सुन तो ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, एक काम कर सबको बुला ले अपने रिलेटिवों को, हम छत पे सो जाएंगे जाके। चल ठीक है फिर मैं उसको मना ही कर देता हूँ। हाँ मना कर दे मना कर दे। चल ठीक है फिर मना कर देता हूँ। अच्छा सुन वैसे कौन आ रहा है? वही जो मैंने बताया था ना, जो मौसी की लड़की है वही आ रही है। फोन कर।
किराया भी है कि नहीं। पैसे तो सारा बाप दारू में उड़ा देता है, क्यों ना आज मैं ही किराया लूं, दोस्तों के साथ पार्टी करूंगी पार्टी। Denied. अबे यार तू क्यों इतना सज रहा है? कोई आने वाली है। अबे यार अब कौन आ गया? अबे रुक जा मैं भी आ रहा हूं। क्या निकालो किराया? आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। क्या निकालो किराया? मुझे पार्टी करनी है। अरे मैडम क्या छोटी बात कर रही हो, आओ पार्टी हम कराते हैं। अच्छा इतना बोल रहे तो मैं आ ही जाती हूँ। अरे मैडम किराया विराया तो आता रहेगा, आप क्या खाओगी क्या पियोगी बताओ? मुझे खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, मुझे किराया चाहिए किराया। 30 तारीख तक कृपया करो हम पे। ओह शिट, ओह शिट। तुम दोनों बैठो मैं खोल के आता हूँ। आइए मोहतरमा। ओह शिट, ओह शिट। तू क्या बोल रही थी? अरे अंकल कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसे आना होगा आपका? बीड़ी किराए नाम की कोई चीज होती है, शायद आपको ना पता होगा, वो लेने आया हूँ। कल आज तो पैसे हैं नहीं, प्लीज आप कल आ जाना। अच्छा ठीक है, वो मत दे, अंकल चाय पानी तो पिला दे, घर अपने नाम कर रखा है क्या? चल अंकल। अरे अंकल कल्लू तू, पता कल्लू तू इधर क्या कर रही है और क्या चल रहा है ये? बोल क्या कर रही है तू इधर? तू तो कॉलेज गई थी। सॉरी पापा, वो मैं किराया लेने आई थी। मैंने बोला था तेरे को। सॉरी निकल यहाँ से, तेरी खाल मसाला मांग रही, रुक जा मैं घर पहुंचता हूँ। तू इधर से निकल पहले फटाफट। चल 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 फटाफट निकल चल। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, तेरे को तो मैं घर बताऊंगा। और हाँ भाई तुम दोनों किराया चाहिए मुझे आज ही, नहीं तो घर खाली कर देना कल। जाओ अंदर। बहन आप थक गए होंगे ना, जाकर नहा के फ्रेश हो जाओ। हाँ भैया मैं नहा कर आ जाती हूँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ। अरे हाँ हाँ भाई की बहन, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ यहाँ पे। अरे अरे मतलब हमें। ओ सुन। हाँ बोल, खाने में क्या खाएगा? कुछ भी बना दे यार अच्छा सा। चल ठीक है फिर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। क्या हो गया? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। बच गया। चलो गाइस सोते हैं, फिर सुबह सबको जाना है अपने अपने काम पे। हाँ भाई सोते हैं चलो। मैं तो यहाँ सोऊंगा। हम कहाँ सोएंगे? तू वहां सो जियो, मैं यहाँ सो जाऊंगा। तेरी बहन यहाँ सो जाएगी। बताओ तेरे को।
पकड़ू मैं अभी। चल नीचे पहुंच, सुलाता हूँ तेरे को ऊपर। सुनो बहन, तू वहां सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं वहां पे सो जाती हूँ। कुछ नहीं भाई, 10 रुपए खो गए थे यार, मैं 10 रुपए में यही लेट आता ना, इसलिए 10 रुपए खो रहा था। चल चल तू भी लेट जा, कोई नहीं सुबह देखेंगे। अरे यार आज कितना अच्छा मौका है, लड़की अकेले में, ऐसा करता हूँ इसे पीछे जाके दबोच लेता हूँ। अपने मन की आज सारी बात कह देता हूँ, उससे जो होगा देखा जाएगा। यार भैया कितना मजा आता था ना, आप घर पे आते थे 5-5 दिन के लिए, हम इतनी मस्ती करते थे, इतने छोटे छोटे से, कितना अच्छा था सब कुछ, अब सब चेंज हो गया। हाँ ऐसा आप क्या कर सकते हैं, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी है, जॉब्स है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। भैया मैं आ रही हूँ, और मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है, उससे बात करके आती हूँ। अरे आ गई तुम, अच्छा एक काम करो, तुम मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। अच्छा भैया मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ शॉल तो दे जाओ, सर्दी हो रही है। अरे आप शॉल लो, चाय। आई लव यू मेरी जानम, आई लव यू मेरी जानम जानम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे जब ही तुमसे प्यार हो गया था, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी तुम ही हो। I love you आशा। भैया चाय। ठीक, मेरे भैया गए हैं। आशा यहाँ गई तो ये कौन है? अबे तू। हाँ मैं कराता हूँ तेरी सेटिंग। Hey everyone, this side Rakesh. I am the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है,
स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक्स एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पर आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।